हेलो एवरीवन वेलकम टू माय चैनल कैसे हो आप लोग आई होप आप लोगों की पढ़ाई बहुत ही अच्छे से चल रही होगी चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक आज हम लोग पढ़ेंगे बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक और एकदम बेसिक सा बट इसको इतने इंटरेस्टिंग वे में पढ़ेंगे कि आप लोगों को मज़ा आ जाएगी आज हम लोग पढ़ेंगे द नाउन क्या है नाउन अ वर्ड यूज टू डिनोट द नेम ऑफ अ पर्सन प्लेस थिंक और क्वालिटी इज़ कॉल्ड अ नाउन मीन्स किसी भी व्यक्ति वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं ठीक है आगे बढ़ते हैं काइंड्स ऑफ नाउन और एक नोट देख लेते हैं अ नाउन इज ऑल्सो कॉल्ड द नेमिंग नाउन नाउन को हम लोग और भी क्या कहते हैं नेमिंग नाउन ठीक है आगे पढ़ते हैं काइंड्स ऑफ नाउन कौन कौन से नाउन होते हैं जरा देखा जाए तो पहला है कॉमन नाउन प्रॉपर नाउन कलेक्टिव नाउन एब्सट्रेक्ट नाउन काउंटेबल नाउन अनकाउंटेबल नाउन एंड लास्ट मटेरियल नाउन चलिए एक एक को अच्छे से पढ़ते हैं पहला हम लोग पढ़ेंगे कॉमन नाउन क्या है कॉमन नाउन कॉमन नाउन्स आर द नेम्स गिवन इन कॉमन टू पर्सन और थिंग और द सेम क्लास ऑफ और काइंड मीन्स जब कोई चीज या थिंग्स या पर्सन एक जाति को एक जाति या समूह को शो करते हैं या इंडिकेट करते हैं तो वो कॉमन नाउन कहलाते हैं देखिए कैसे जैसे कि पर्सन एनिमल्स प्लेसेस मीन्स बिजनेसमैन मैन पर्सनस में हम लोग देखेंगे कौन कौन से हैं बिजनेसमैन बॉय फार्मर यानी बहुत सारे फार्मर्स डॉक्टर बहुत सारे डॉक्टर ब्रदर कारपेंटर प्लम्बर एट्सेट्रा ये सब क्या है ये सारे कॉमन नाउन है एनिमल्स में देखते हैं कैट कैट से जैसे कि कैट्स के समूह यानी बिल्लियों की जाति का बोध होता है डॉग से डॉग की जाति का बोध होता है इसी तरह काऊ लॉय डियर एट्सेट्रा ठीक है प्लेसेस में जैसे बैंक बहुत सारे बैंक क्योंकि पर्टिकुलर नाम तो दिया नहीं है विलेजेस बहुत सारे गांव सिटी कंट्री हॉस्पिटल शॉप एक्सेट्रा जितने भी आएंगे वो सारे कॉमन नाउन होते हैं जिनसे कि किसी से जाति या समूह का बोध होता है आगे देखते हैं नेम ऑफ ट्रीज फ्रूट्स वेजिटेबल्स थिंग्स एंड इंस्ट्रूमेंट आर ऑल्सो कॉमन नाउन ठीक है फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं आगे हम लोग देखेंगे प्रॉपर नाउन क्या है प्रॉपर नाउन द नेम गिवेन टू पर्टिकुलर पर्सन प्लेस और थिंग इज कॉल्ड अ प्रॉपर नाउन प्रॉपर नाउन जैसे नाम से ही हमें पता चल जा रहा है कि किसी पर्टिकुलर चीज को इंडिकेट करता है और इसकी एक और खास बात यह है कि ये हमेशा स्टार्ट होता है किससे कैपिटल लेटर से प्रॉपर नाउन ऑलवेज स्टार्ट विथ कैपिटल लेटर ठीक है याद रखिएगा इससे भी प्रॉपर नाउन पहचानने में आसानी होगी क्योंकि ये हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है जैसे कि नेम ऑफ अ पर्सन नेम ऑफ सिटीज कंट्रीज रिवर्स हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स डेज एट्सट्रा जितने के जिन सारी चीजों के पर्टिकुलर नेम दिए होंगे अगर नेम नहीं दिए होंगे तो वो सारे कॉमन नाउन में आ जाते हैं जैसे हम लोगों ने सिटीज देखा था तो इसमें पर्टिकुलर नाम दिया रहेगा जैसे कि वाराणसी सिटी कानपुर सिटी लखनऊ सिटी एट्सैक्ट्रा तो इससे ये क्या शो करेगा कि ये पर्टिकुलर सिटी है तो ये प्रॉपर नाउन है और केवल सिटी दिया रहे तो वो कॉमन नाउन हो इसी तरीके से रिवर्स में भी हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट स्पेशल डेज एटसेकट्रा एटसेट्रा सारे क्या हो जाएंगे प्रॉपर नाउन हो जाएंगे आगे बढ़ते हैं कलेक्टिव नाउन द नेम दैट रिफर्स टू अ ग्रुप और कलेक्शंस रिगार्डेड एज अ सिंगल यूनिट इज कॉल्ड कलेक्टिव नाउन जिससे कि ग्रुप एक ग्रुप हमें समझ में आता है कि सिंगल वर्ड से एक ग्रुप का हमें एहसास होता है हमें पता चलता है कि ये वर्ड इस ग्रुप को डेडिकेट करता है देखते हैं कौन कौन से फ्लिट ये फ्लीट क्या है अ ग्रुप ऑफ शिप्स ग्रुप ऑफ शिप्स को क्या बोलेंगे हम लोग फ्लीट आर्मी आर्मी क्या है अ ग्रुप ऑफ सोल्जर्स क्लास अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स क्राउड अ ग्रुप ऑफ पीपल फ्लॉक अ ग्रुप ऑफ बर्ड्स टीम ग्रुप ऑफ प्लेयर्स तो फ्रेंड्स देखिए समझ में आ रहा है ना आप लोग को कलेक्टिव नाउन है क्या आगे बढ़ते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन एब्स्ट्रैक्ट नाउन में क्या है इट इज द नेम ऑफ एन आइडिया अ क्वालिटी एन एक्शन और अ थिंक दैट वी कैन सी इसकी क्वालिटी ये है कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हम लोग देख नहीं सकते हम सिर्फ इसको फील कर सकते हैं और टेस्ट कर सकते हैं डेट इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन जैसे कि किसी की क्वालिटी एक्शन स्टेट आर्ट एंड साइंस क्वालिटी में क्या क्या है ऑनेस्टी काइंडनेस विजडम ब्रेव इन सबको हम लोग देख नहीं सकते बट फील कर सकते हैं इसी तरह के एक्शन में है लाफ्टर है थेफ्ट है हर्टेड है क्राई है ठीक है स्टेट में क्या आ जाएगा यूथ डेथ पॉवर्टी या चाइल्डहुड ये सारी चीजें क्या है एब्स्ट्रैक्ट नाउन है क्योंकि ये सब हम लोग सिर्फ फील कर सकते हैं आर्ट एंड साइंस में म्यूजिक ग्रामर लिटरेचर एट्सट्रा क्या है एब्स्ट्रैक्ट नाउन है आगे बढ़ते हैं मटेरियल नाउन इट इज द नेम ऑफ सम थिंग सम मैटर ऑफ विच थिंग्स आर मेड जिनसे कि किसी वस्तु को बनाया जाता है वो क्या हो जाते हैं मटेरियल नाउन जैसे कि गोल्ड है गोल्ड क्या है एक मटेरियल है वुड भी है एक मटेरियल जिससे कि बहुत सारी चीज़ें बनती है कॉटन है सिल्क है प्लास्टिक है तो जिन चीज़ों से कुछ ना कुछ बनाया जाता है वो क्या है मटेरियल नाउन है आगे देखते हैं काउंटेबल नाउन एंड अनकाउंटेबल नाउन काउंटेबल नाउन नाम से ही पता चल जाता है कि इसमें चीज़ों चीज़ों को काउंट किया जाता है तो वो क्या है काउंटेबल नाउन जैसे कि एक कप कि दो कप या तीन कप ये क्या है काउंटेबल नाउन है मग है बॉयज है एग्स है बहुत सारे एग्जाम्पल हम लोग ले सकते हैं जो कि काउंटेबल नाउन है और अनकाउंटेबल नाउन जस्ट काउंटेबल नाउन का अपोजिट इन इट वी कैन नॉट काउंट द थिंग्स मीन्स इसमें हम लोग चीज़ों को काउंट नहीं कर सकते तो क्या हो जाएंगी ये अनकाउंटेबल नाउन जैसे मिल्क है ऑयल है शुगर है इन सबको हम काउंट नहीं कर सकते अगर यहाँ वन लीटर मिल्क दिया होता तो ये काउंटेबल नाउन होता शुगर वन के जी शुगर दिया होता तो ये काउंटेबल नाउन होता तो यहाँ पर इसका इसकी जो है मात्रा यानी इसका मेजरमेंट नहीं दिया है तो ये क्या हो जाएंगे अनकाउंटेबल नाउन ठीक है फ्रेंड्स आई होप मेरी ये छोटी सी वीडियो आप लोगों को इंटरेस्टिंग लगी होगी अगर अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक करिएगा शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करना तो मत भूलिएगा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू